फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के छोटी सी भूख के लिए बच्चों का फेवरेट सैंडविच। और सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि प्याज को आप बारीक कट कर लें और इसमें एक मिर्ची डाल लें, उसके बाद से आलू को बॉयल करके और इसमें मिक्स करें। तो देखिए यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद से हल्दी है, जीरा पाउडर है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से इसमें मिला रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर, उसके बाद से स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे और इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से हमें इसमें मिलाना है चाट मसाला। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाट मसाला और इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए तो चाट मसाला यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद से हम लेंगे थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी और उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं हाथ में ली हूँ। और देखिए यहाँ पे गरम मसाला है, इसको भी थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे ताकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। उसके बाद से इन सबों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद से इसका सैंडविच बनाएंगे फ्रेंड्स, और ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को। तो एक बार ऐसे बना के ट्राई करके मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने बनाया हुआ है, तो उसका मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि बच्चों के लिए ना ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है और अब लेंगे तवा को गर्म होने के लिए रख लेंगे। इसके बाद से हमें लगाना है ब्रेड। ब्रेड को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया हुआ है और इसके बाद से इस पर टमाटो सॉस लगा लेंगे। आप चाहें तो चिली सॉस भी लगा सकते हैं, टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं, दोनों इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को चिली सॉस बहुत कम पसंद आता है तो यहाँ पे टमाटो सॉस ही लगा रहे हैं। और थोड़ा ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चों को देना है, अब जब बड़ों को देना हो तो उसमें ज़्यादा लगा लें। तो देखिए उसके बाद से यहाँ पे हमने जो स्टफिंग बना के रखा हुआ है ना, उसको इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, थोड़ा भर के ही लगाएंगे ताकि आलू बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है। तो देखिए यहाँ पे दो मैं एक साथ तैयार कर रही हूँ और दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर इसके बाद से हमें रखना है चीज। देखिए यहाँ पे मैंने चीज रख दिया हुआ है, पूरा एक स्लाइस कर देंगे और इसको ऐसे ही डिप कर देंगे। इसके बाद से तवे पे घी डाल के इसको अच्छे से, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको अच्छे से सेंक लेंगे। तो ये बन गया ना छोटा सा, बिल्कुल मतलब बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, और बच्चों के छोटी सी भूख के लिए छोटा सा रेसिपी। तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे ये ऐसे ही सीख लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि ये जलेगा नहीं और अच्छे से सीखेगा। जब अच्छे से सीखेगा तो ये बहुत कुरकुरा होगा फ्रेंड्स और बहुत ही अच्छा लगेगा और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। देखिए एक तरफ से ऐसे ही सीख लेंगे, उसके बाद से इस पे घी डालेंगे फिर से और फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए अभी एक तरफ ये पूरा अच्छे से नहीं सीखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे और अच्छे से इसको सेक लेंगे, ऐसे दबा दबा के सेकेंगे ताकि इसका ना अंदर का जो है वो तो हमने स्टफिंग बहुत अच्छे से बना लिया हुआ है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे ही इसको सेक के तैयार कर लेंगे और बीच से देखिए यहाँ से इसको ऐसे ही कट कर देंगे। तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स। बिल्कुल अलग और सबसे आसान रेसिपी लेके आती हूँ तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए यहाँ पे